बंद होने के बाद आर्टिकल 88 और 89 को यूरोप में जाके सेटल होने का प्रोसेस क्या वो बंद हो चुका है, आपने करना क्या है और इसको कैसे अप्लाई करना है, शॉर्ट वीडियो के लिए आप फॉलो करके रख सकते। तो नॉमिड वीजा एक ऐसा वीजा है जिसमें मैं आप करते हैं, लेकिन स्पेन के लिए थोड़ी सी इसमें रिस्ट्रिक्शंस है। तो लोग क्या करते थे कि जी वो कोई बेल्जियम में है, कोई फ्रांस में है, तीन सैलरीज दिखानी है, अपनी लास्ट सिक्स मंथ की बैंक की स्टेटमेंट दिखा। आप एक काम करें, आप कोई से किसी कोर्स में अपने आप आए गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आप लोगों के पास आया हूँ। पुर्तगाल की इमिग्रेशन के बंद होने के बाद आर्टिकल 88 और 89 को क्लोज करने के बाद लोग ये सोच रहे हैं कि जी हमारे पास कौन सी ऑप्शंस हैं जिनको हम अवेल करें। क्या इमिग्रेशन के बंद होने से जो एक कह सकते हैं कि TRC कार्ड मिलने का प्रोसेस, सिटीजनशिप मिलने का प्रोसेस, या फिर यूरोप में जाके सेटल होने का प्रोसेस क्या वो बंद हो चुका है, या फिर उसकी नई स्ट्रेटजी क्या है, कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो इन चीज़ों को इंटरटेन कर रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड एक ऐसे कंट्री के बारे में आपने थंबनेल से ऊपर बिल्कुल ठीक पढ़ा हुआ है कि ऐसे ही एक कंट्री के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ कि जो सिर्फ और सिर्फ आपको 20 डेज के अंदर TRC नहीं देता, बल्कि 20 डेज के अंदर TRC देने के अलावा 3 ईयर्स का वीज़ा भी आपको देता है, 3 साल का वीज़ा। और वो मिलता आपको कैसे है, इसकी स्ट्रेटजी क्या है, इनके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, आपने करना क्या है और इसको कैसे अप्लाई करना है। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल के बटन को जरूर प्रेस किया करें। थैंक यू सो मच जो सब लोग मेरे साथ एक पार्ट बने, एक फैमिली जॉइंट वेंचर बने, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ था और हमने 10K की सब्सक्रिप्शन का जो एक माइलस्टोन था वो अचीव किया। जो लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मेरा टिकटॉक अकाउंट आ रहा है, टिकटॉक अकाउंट शॉर्ट वीडियो के लिए आप फॉलो करके रख सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, आप DM कीजिएगा और उसके बाद आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, थ्रू व्हाट्सएप नंबर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, आप मेरे साथ पर्सनली बोल भी सकते हैं, स्पीक भी कर सकते हैं पर्सनली। अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप मुझसे गपशप लगा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपने केस को, अपनी फाइल को, जो भी सिनेरियो है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे पुर्तगाल की इमिग्रेशन के बाद स्पेन ने कैसे एक रास्ता ओपन किया हुआ है। देखिए स्पेन का जो रास्ता था वो पहले भी था, लेकिन पहले 3 तरह की TRC मिल रही थी। नंबर 1 वो जो सैलम सीकर जाते थे, सैलम अप्लाई करते थे, उनका अप्रूव होता था तो उनको TRC मिलती थी। नंबर 2 उन लोगों को TRC मिलती थी जो वहां पे स्टूडेंट है, और नंबर 3 उन लोगों को TRC मिलती थी जो वहां पे वर्क परमिट के ऊपर जाते हैं। इसके अलावा कोई TRC का ऑप्शन नहीं था। लेकिन अभी यही वाला जो ऑप्शन है इसको थोड़ा सा फर्दर एक डिफरेंट सिनेरियो के साथ ओपन किया गया है। अब ये वाला जो सिनेरियो है ये क्या है, मैंने पिछली वीडियो बनाई जिसमें मैंने नॉमिड वीजा के बारे में बताया। तो नॉमिड वीजा एक ऐसा वीजा है जिसमें मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप प्लीज जरूर देखिएगा, कि एक रिमोट वर्क वीजा है जिसमें आप बैठे किसी कंट्री में हैं और आपके पास पासपोर्ट किसी दूसरी कंट्री का है तो आप उसके ऊपर बैठ के काम करते हैं और आप अपना नॉमिड वीजा अप्लाई करते हैं। लेकिन स्पेन के लिए थोड़ी सी इसमें रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि आप डायरेक्टली नॉमिड वीजा अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन से कंट्रीज़ में आपका होना ज़रूरी है, या तो आप दुबई में हो या फिर आप जो है ना वो चाइना में हो। इन 2 कंट्रीज़ को जो है ना वो स्पेन इंटरटेन कर रहा है, डायरेक्टली 3 ईयर्स का वीज़ा दे रहा है, इन दोनों कंट्री के साथ स्पेन की एफिलिएशंस है। अब आपने नॉमिड वीज़ा अप्लाई करना है तो थ्रू नॉमिड वीज़ा जो है ना वो आप दुबई के थ्रू इन रूटिंग कर सकते हैं या चाइना के थ्रू इन रूटिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास ये ऑप्शंस नहीं है। वो लोग क्योंकि पुर्तगाल में इमिग्रेशन में तो कौन लोग क्या करते थे कि जी वो कोई बेल्जियम में है, कोई फ्रांस में है, कोई जर्मनी में है, तो वो आके पुर्तगाल में अपनी फाइल ला करवा रहा था, डॉक्यूमेंट्स मिल रहे थे। ऐसा ही आपको एक सिनेरियो मैं बताता हूँ, आपने ये करना है कि जो लोग भी स्पेन में नहीं है या फिर स्पेन में है या फिर आउट ऑफ द स्पेन है और वो अपनी फाइल को लॉक करना चाहते हैं, मतलब कि वो TRC कार्ड चाहते हैं और वो इमिग्रेशन चाहते हैं, तो वो स्पेन का नॉमिड वीज़ा अप्लाई करें। नॉमिड वीज़ा अप्लाई करने का क्राइटेरिया ये है कि उन्होंने अपना वर्क शो करवाना है कि जिनके पास कोई रिमोट जॉब है, और उन्होंने अपनी 3-6 सैलरी, 6 कहते हैं लेकिन 3 सैलरी ही जो है ना वो नॉर्मली कंसिडर की जाती है, 3 सैलरीज दिखानी है, अपनी लास्ट 6 मंथ की बैंक की स्टेटमेंट दिखानी है, और अगर आप शेंजन में होते हैं तो आपको वेरी इजीली ये वीज़ा 3 साल का मिल जाता है और विद इन 20 डेज आपको इसका TRC कार्ड भी मिल जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो ये है कि आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एक ऐसी कंपनी का जिसका आप काम कर रहे हैं। तो अगर इस चीज की आपको नहीं समझ आती या आप चाहते हैं कि ये किस तरह से जो है ना वो प्रिपेयर किया जाए या डॉक्यूमेंट्स किस तरह से प्रिपेयर किए जाए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कीजिएगा और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कीजिएगा। मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको वीजा लेने के बारे में बताऊंगा, मैं आपको वीजा लेके दूंगा, मैं आपको TRC कार्ड लेके दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि लेते कैसे, किस तरह से लिया जाता है, TRC कार्ड कैसे लिया जाता है, वीजा कैसे लिया जाता है।
जाता है। तो इसके अलावा स्पेन ने एक और नया गेटवे ओपन किया हुआ है। तो जो नया गेटवे स्पेन ने ओपन किया है वो ये है कि आप किसी भी कोर्स में अपनी एनरोलमेंट करते हैं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर या किसी भी कोर्स की आप उसमें लैंग्वेज का कोर्स कर सकते हैं। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमें स्टूडेंट वीज़ा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप लैंग्वेज का कोर्स कर सकते हैं, आप स्पेनिश लैंग्वेज सीख सकते हैं। 6 मंथ का कोर्स में आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। अब जब 6 मंथ का आप कोर्स करेंगे उसकी एंट्री ले लेंगे तो आपकी इनरोलमेंट जो है ना वो लीगलाइज हो जाएगी। तो 6 मंथ के कोर्स की जब आपकी इनरोलमेंट है वो लीगलाइज हो जाएगी, आपकी एंट्री लीगलाइज हो जाएगी, तो आपके पास ये एक सिनेरियो ओपन हो जाएगा TRC कार्ड लेने का। आपके पास स्पेन का TRC कार्ड इस टाइम पे सबसे एक फास्ट ट्रैक है पूरे शेंजन जोन में TRC कार्ड लेने के लिए। सबसे जो फास्ट ट्रैक है वो पुर्तगाल के बाद इस टाइम पे स्पेन का फास्ट ट्रैक है। स्पेन का फास्ट ट्रैक पुर्तगाल से भी ज़्यादा फास्ट ट्रैक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्पेन में ये नज़र आता था कि जी हम लोग इलीगल हैं, हम लोग जो है ना वो लाइक वहाँ पे जाके अपनी फाइल लॉक करवा लेते हैं और इसी तरह से। लेकिन यहाँ पे उससे भी ज़्यादा आपको सिनेरियोज नज़र आएंगे, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशंस और आपको जो है ना वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जो लोग भी अपनी फाइल को लॉक करवाना चाहते हैं, मतलब कि आर्टिकल 88 और 89 वाली बात तो नहीं है यहाँ पे, फाइल लॉक करवाने का मतलब होता है TRC कार्ड लेना, अपने आपको किसी भी कंट्री में लीगल कंसीडर करवाना और अपनी एक TRC कार्ड लेकर सिटीजनशिप की तरफ जाना। तो स्पेन में उनके पास बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन जो है ना वो एक नॉमिड वीज़ा की है, दूसरी उनके पास वो स्टूडेंट वीज़ा किया, वो किसी भी कोर्स में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। तीसरा वहाँ पे जो है कि आपके पास स्पेन में एक ये भी अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी, आपको अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिल सकती हैं कि आप काफ़ी अच्छे लेवल पे अर्न कर सकते हो। और इसके अलावा एक जो हमेशा के लिए ऑप्शन ओपन रहती है वो असाइलम सीकर्स के लिए है। लेकिन जो लोग असाइलम सीकर्स हैं मैं उनको एक चीज़ ज़रूर रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना केस अप्लाई करने से पहले इस चीज़ के बारे में ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा कि क्या जो आप अपना केस अप्लाई कर रहे हैं ये कितने % जेन्युइन है और कितने % जेन्युइन नहीं है। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग मुलाकात में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जिनको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। स्टे ब्लेस्ड।